हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक आरटीआई के बारे में। ये आरटीआई मैंने फाइल की है ईपीएफओ में विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पेपर, और मैंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की है ईपीएफओ से। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं अप्रॉक्स, जो कि हैं टोटल, और कौन कौन से सवाल मैंने आरटीआई में पूछे हैं ईपीएफओ में। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो और आप मेरे एफर्ट्स को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आरटीआई में कौन कौन से सवाल पूछे हैं ईपीएफओ से। अब पहला सवाल मेरा है कि एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं ईपीएफओ में फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनो। जी हाँ, स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की दोनों जो पोस्ट हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं। और ये एप्लीकेशन चाहे वो हर एक कैटेगरी वाइज, चाहे वो आपका जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो आपका ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो आपका एससी कैटेगरी हो, चाहे वो आपका एसटी कैटेगरी हो, और चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, इन पांचों कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं। और मैं एक तरह से ये अभी आपको आइडिया दे देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आई हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जिस बंदे ने रजिस्टर किया हो उसका एप्लीकेशन वैलिड भी हो, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन दो बार लोग अप्लाई भी कर देते हैं या फिर किसी ना किसी कारण से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। बट अगर मैं अप्रॉक्स की बात करूँ तो अप्रॉक्स अराउंड 1.5 लाख प्लस एप्लीकेशन आई हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के रिगार्ड में। बट स्टेनो में कितनी आई हैं उसमें एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस आरटीआई के आंसर के थ्रू। तो तब तक के लिए आपको क्या करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही इस आरटीआई का आंसर आएगा मैं एक वीडियो बना के आपको इन डेप्थ में बता दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, और हर एक कैटेगरी में, चाहे वो आपका जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं इन दोनों पोस्ट के लिए, जो कि है आपका स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो गाइज, अगर मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।